नमस्कार दोस्तों वेलकम टू जागरण हाईटेक आप मेरे पीछे जो गाड़ी देख रहे हैं द स्कूटर ये बजाज की पहली इलेक्ट्रिक थी भारतीय बाजार में दो ढाई साल पहले आई थी एंड वन ऑफ द अर्ली मूवर्स टाइम के साथ स्कूटर ने देश के विभिन्न प्रांतों में अपना प्रेजेंस जमाया है लोगों ने सराहा है इस प्रोडक्ट को एंड एट द स्टार्टिंग ऑफ 2023 कंपनी कुछ बोल्ड डिसीजंस लेगी कुछ एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी के रेडी हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रेजेंस हमारे साथ मिस्टर एरिक हैं, हु इज़ हेड ऑफ बजाज ऑटोज़ ई वी आम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर आपके फर्स्ट प्रोडक्ट चेतक को लेकर शुरू करते हैं जर्नी कैसा रहा है पिछले दो ढाई साल हमारे लिए तो बड़ी लर्निंग्स हुई है तो uh, uh, हम अभी मार्केट में करीब uh, तीन साल uh, uh, से बेच रहे हैं गाड़ी इनफैक्ट uh, एंड ऑफ फेबररी पहली डिलीवरीज हुई थी ट्वेंटी एट जनवरी पे बुकिंग्स खुली थी ट्वेंटी ट्वेंटी में तो तीन साल हो गए एंड uh, हमारे लिए ये जर्नी में बहुत लर्निंग्स हैं कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं कंज्यूमर्स क्या क्या सेगमेंट्स में पढ़ते हैं और उन्हें क्या प्राइस पॉइंट्स पे किस किस्म की गाड़ी चाहिए तो ये हमारी पहली प्रोडक्ट है uh, ये हमारी प्रीमियम प्रोडक्ट है तो हमें काफ़ी अच्छा आइडिया है कि हमें फ्यूचर में क्या क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के हैं और किस किस्म के प्रोडक्ट्स किस किस्म के कस्टमर के लिए सूट करेंगे सर so एक्जैक्टली exactly, यही क्वेश्चन से मैं इसी लाइन से खींचना चाहूँगा कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स किस टाइप के मार्केट कंज्यूमर्स के लिए होना चाहिए तीन साल में चेतक ब्रांड का को री करने की कोशिश की गई है तो इस मॉडल के लिए कैसा रहा है मार्केट स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ़ नंबर्स और सामने जा रहे आगे देखते हुए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस टाइप की प्रोडक्ट्स आप रूल आउट करना चाहते हैं मोर बजट और मोर प्रीमियम तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हम यदि नंबर्स देखें तो हम अभी आ, अप अपटिल दिसम्बर हम फोर्टी थ्री सिटीज़ में गाड़ी बेचते थे आ, अपने देश में और हम अप्रॉक्सीमेटली थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड गाड़ीज व्हीकल्स पर मंथ रिटेल कर रहे थे आ, इस महीना वी विल एग्जिट जनवरी विथ 55 सिटीज uh, और मार्च में हम करीब 80 या 85 सिटीज़ में होंगे तो काफ़ी बड़ी नेटवर्क एक्सपेंशन चल रही है क्योंकि हमारी अभी सोच है कि गाड़ी स्टेबलाइज हो गई फुली अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई नया प्लांट भी खड़ा हो गया उसमें प्रोडक्शन शुरू हो गया और हम अभी सप्लाई कर सकते हैं तो इसीलिए हम नेटवर्क एक्सपेंशन कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि ये सेल काफ़ी बढ़ेगी मैं नंबर नहीं देने चाहता हूं क्योंकि आप छः महीना के बाद में आके बोलेंगे आपने ये नंबर किया है या नहीं पर मैं ये बोल सकता हूं कि हमारी सोच है कि हम नंबर दो या तीन गुना से बढ़ा सकते हैं एग्जैक्टली सर जब नंबर्स का गेम बढ़ता है तब प्रोडक्ट्स की भी दरकार हो जाती है तो बजाज उस फ्रंट पे क्या कर रही है किस टाइप के स्कूटर्स या टू व्हीलर्स पे डेवलपमेंट काम चल रहा है देखिए हमने एक नया कंपनी चेतक टेक्नोलॉजी लिमिटेड खड़ा करवाया है और हमने इसीलिए खड़ा करवाया क्योंकि हम अपनी पूरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आर है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स और सब जो फंक्शंस है एक जगह पर बैठ सकते हैं क्योंकि हमें हमें ये लेसन मिली है कि इसे एक साथ डाल के इनोवेशन की पेस बढ़ जाएगी क्योंकि बजाज ऑटो बहुत बड़ी कंपनी है आईसी इंजन कंपनी है उसमें बैठने से कभी डिस्पर्स हो सकती है तो इसे नया कंपनी में डाला हुआ और हमारी जो चेयरमैन है सी के या बजाज ऑटो के एम डी है राजीव बजाज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हर साल हम एक नया प्रोडक्ट निकालेंगे वेरिएंट नहीं नया प्रोडक्ट निकालेंगे वेरिएंट तो हम खैर कब भी निकाल सकते हैं पर वो नया प्रोडक्ट निकालेंगे सो मिनिमम वन एवरी ईयर। सर गोइंग अहेड, बजाज ने कुछ आ, मतलब आपकी कंपनी ने कुछ डिसीशंस रोल आउट किए हैं इन टर्म्स ऑफ बैटरी मोटर इन हाउस होने की बात चल रही है वॉट इज द डेवलपमेंट एंड कैसे ये आपके प्रोडक्ट को इम्पैक्ट करेगा जब हमने ये गाड़ी को तीन साल पहले लॉन्च किया था और बुकिंग्स खोले थे उस समय हम काफ़ी एग्रीगेट्स जैसे मोटर जैसे बैटरी हम रेप्यूट ग्लोबल वेंडर से लेते थे uh, उन्होंने लोकलाइज किया था इंडिया में पर वो ग्लोबल वेंडर का पार्ट uh, था uh, 2002 में सॉरी uh, 2022 में मिडल ऑफ जनवरी हमने ये सब पार्ट्स 100 परसेंट बजाज ऑटो की डिज़ाइंस को शिफ्ट किया था तो अभी जो गाड़ी आप देख रहे हैं जो जनवरी से हम बेच रहे हैं जनवरी लास्ट ईयर से सो तो एक साल से हम बेच रहे हैं गाड़ी यह 100% परसेंट बजाज ऑटो की डिज़ाइन है बजाज ऑटो या चेतक टेक्नोलॉजी के डिज़ाइन है 100% परसेंट अपने वेंडर से बनते हैं हाँ हम कोई पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, सच एज़ वो जो लिथियम आयन सेल्स बाहर से आती है कोई सेमी आइटम्स भी बाहर से आती है पर जो डिज़ाइंस हैं और जो इंटीग्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग है वो सब यहाँ होती है अपने वेंडर बेस से जो जो आप सी की जो वेंडर बेस जो हमने बनाई है और ये हंड्रेड परसेंट हम कंट्रोल करते हैं जो जैसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या आई पी गाड़ी की हम कंट्रोल कर रहे हैं तो इससे हमें ये बेनिफिट मिलती है कि पहले जो भी चेंजेस बनाने पड़ते हैं जो भी लेसेंस हम मार्केट से लर्न करते हैं कि भाई कस्टमर को ये फीचर अच्छा लगता है और कस्टमर को ऐसा फीचर फ्यूचर में चाहिए वो हम काफ़ी इजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि डिज़ाइंस हमारी है हमारी सेकेंड जो एडवांटेज मिलती है वो है कॉस्ट कंट्रोल थर्ड और उसकी बेनिफिट आपको इमिजिएटली देखी नहीं जाएगी पर इन फ्यूचर जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट विल बी इन बेटर कंट्रोल तो प्राइसेस नीचे आने चाहिए थर्ड uh, जो बेनिफिट मिलती है क्योंकि ये हमारी आईपी uh, है हमारी कंट्रोल है हम जो भी वेरियस कंपोनेंट्स एंड सब सिस्टम्स है इलेक्ट्रिकल व्हीकल uh, में uh, जैसे बैटरी कंट्रोलर मोटर ये हम बेटर मैनेज कर सकते हैं क्योंकि ये सब अपनी प्रोटोकॉल्स पे चलती है जो हमने डिज़ाइन किए जो हमने स्टैंडर्डाइज किए जो प्रोटोकॉल्स और हम इसको ट्विक और ट्यून कर सकते हैं सो दैट इट वर्क्स बेटर तो हम एफिशिएंसी को और बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं uh, हम जो भी परफॉर्मेंस मोटर uh, से निकाल सकते हैं या बैटरी से निकाल सकते हैं उसमें हमें बेनिफिट मिलती है इसीलिए हमारी गाड़ी में जो रीजन एफिशिएंसी जो बोलते हैं जब आप हाँ ब्रेक करते हो ये इज़ द हाइस्ट इन द इंडस्ट्री इसीलिए आप हमारी जो बैटरी आ, आ, लाइफ पर किलो यू नो किलोमीटर पे जो बैटरी की जो कंजम्पशन होती है वो मिनिमम रहेगी तो क्योंकि हमारी जो आईपी हमें अलाउ करती है ये सब करने के लिए एंड ऑब्वियसली मतलब पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से तजुर्बे से आप इस जगह पे पहुंचे हैं बट कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट हो रही है आर इलेक्ट्रिक बाइक्स आल्सो पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन देखिए भाई हम मैं ये नहीं बोलना चाहता कि नहीं है पर मैं ये भी बोलूँगा कि भाई ये इलेक्ट्रिक में बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज़ है पर हमारी करंट जो फोकस है वो है लोकल ट्रांसपोर्टेशन बाइक्स का बाइक्स का जब कस्टमर बाइक खरीदता है उनके सोच में आता है कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस चलूँ इलेक्ट्रिक में एट दिस पॉइंट इन टाइम टू व्हीलर्स में लॉन्ग डिस्टेंस Uh, हम नहीं uh, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं डाले क्योंकि क्या होती है कि बैटरी साइज़ बहुत बढ़ती है आज सब्सिडी है आज कंज्यूमर्स uh, और कंज्यूमर्स को फेम टू सब्सिडी मिल रही है विच इज़ लिंक टू बैटरी साइज पर आगे uh, सालों में ये फेम सब्सिडी हो सकती है कम हो जाएगी और उस समय बड़े बैटरी होने से आपके प्रोडक्ट प्राइस बहुत बढ़ सकती है सो आप फोकस इज ऑन अर्बन 100, 120 एंड किलोमीटर अप टू दैट रेंज सर कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स भी है इलेक्ट्रिक को लेके तो क्या हम चेतक को बाहर के सड़कों में देख सकते हैं ना हाउ डू यू सी गोइंग अहेड? हाँ भाई आई आई थिंक अपनी जो आने वाली फिजिकल ईयर है अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च उसमें डेफिनेटली हमारी प्लान है कि हम ओवरसीज uh, डालेंगे इस पर अनाउंसमेंट भी हुए हैं तो वी विल सर्टनलीवर फाइनल बिट इज रिगार्डिंग लास्टली इज आपके मैनुफैक्चरिंग प्लांट को लेकर ईवीज को एक कंप्लीटली डिफरेंट इन्वेस्टमेंट डिफरेंट बॉडी मिला है तो आप कितना सक्षम है कितना रेडी हैं टू रोल आउट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हाँ हमारी कैपेसिटी हाफ अ मिलियन गाड़ी है सो फाइव हंड्रेड थाउजेंड व्हीकल्स पर एन एम ऑफ ऑल काइंड ऑफ टू व्हीलर ई वीज तो अभी ये एक गाड़ी है चेतक जो वहाँ बन रही है एक और गाड़ी बन रही है जो हम यूलू को सप्लाई करते हैं मोबिलिटी एज अच्छा अ सर्विस के लिए आ, तो यूलो तो दोनों मिला के आ, उनकी प्रोडक्शन हो रही है उधर तो ये एक ही प्लांट से निकल रही है सर गोइंग अहेड सम अप किस टाइप के इफ़ यू द मार्केट इट बहुत टाइप के प्लेयर्स आ रहे हैं प्लेयर hmm. भी हैं देन आर वेल आप एज अ ब्रांड अंडर बजाज खुद को कहाँ देखते हैं इन ईयर्स टू कम एंड इसमें गवर्नमेंट के पॉलिसीज एंड सब्सिडीज कितना मायने रखती है देखो गवर्नमेंट को हम थोड़ा पहले साइड पे रखते हैं वो सरकार सरकार के लिए बात करेगी पर आ, हमारी जो विजन है चेतक के लिए कि यदि कस्टमर को दुनिया के सबसे बेहतरीन क्वालिटी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चाहिए तो अपने शोरूम में आके चेतक देखें आ, हमारी हमारी पूरी फोकस है कि सबसे बढ़िया हाईएस्ट क्वालिटी मोस्ट रिलायबल मोस्ट ड्यूरेबल टू व्हील स्कूटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल विल बी मेड बाय चेतक इसमें रेंज का कितना हाथ रहेगा इसका क्या आ सकता है? आ, सब कुछ आ सकता है आ, इन टाइम आ, अभी खैर 90 किलोमीटर की रेंज है बाद में क्या आएगी वो आप देखेंगे जब गाड़ी निकलेगी पर हमारी फोकस है क्वालिटी पे ड्यूरेबिलिटी पे रिलायबिलिटी पे या एंड लॉन्जिविटी जो लाइफ लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए गाड़ी पे हमने इस किस्म की गाड़ी बनाई है और ये हमारी फोकस है एट दिस इंपॉर्टेंट टाइम कि आपको बढ़िया क्वालिटी चाहिए बढ़िया रिलायबिलिटी बढ़िया ड्यूरेबिलिटी जो गाड़ी लॉन्ग लास्ट करेगा तो हमारी गाड़ी देखो तो दिस वॉज मिस्टर फॉर यू अगर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने का सोच रहे हैं यू कैन हेड टू द नियरेस्ट चेतक डीलरशिप बहुत तेजी से एक्सपेंशन चल रहा है शायद आपकी सिटी में भी पहुंच चुकी होगी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू प्लेजर टू हियर